फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मम्मूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहान, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मम्मूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मम्मूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रियाएं आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मम्मूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मम्मूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मम्मूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मम्मूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मम्मूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मम्मूटी को हैरतअंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मम्मूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मम्मूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मम्मूटी सर, राज बी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मम्मूटी, राज बी शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील,
शव विश्वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण ममूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। अरे ना, रुके 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 ना रुके 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 ना कम क्लोज कम क्लोज हेलो का प्यास यहाँ पे देखिए। एक मिनट रुके ना, फोटो नहीं मिला। एक मिनट एक मिनट निकालना है, निकालिए मैम, इट्स अप टू यू, निसंगत निकालना। अरे क्या बात है, आप भी मैम, आप भी मैम प्लीज। क्या बात है, आइए आइए तुम आजा पढ़ लो, अंदर में चलो। बस गुड मॉर्निंग मैम, फर्स्ट क्लास मैम, सब बढ़िया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आलिया जी मैम रुके ना, आलिया जी आलिया मैम रुके ना, यहाँ पे आलिया जी, आलिया मैम, आलिया मैम, आलिया जी, आलिया जी, आलिया जी, एक सेकंड, आलिया जी, थैंक यू मैडम। क्या बात है, रुके रुके रुके, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे सामने देखिए, और एक बार बराबर है, वाकड़े की नगो खास वाकड़ा है, तो सुबह चलाना आ जाए यार। बस आपने बात में बने बाने जाती है साइड मुने भाई फंडे इकड़े इतना दूर से। थैंक यू सो मच। सामने देखिए ना, देखो सामने। ए बाबा अंदर मत जा, अंदर मत जा। आई होप यू विल इनवाइट मी। लव टू गो, मुझे बहुत अच्छा लगता है एमिरेट्स एंड अमीराती वेडिंग्स। तो मेरे बहुत अमीराती फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका कल्चर, खाना, उनके कस्टम्स, आई रियली लव, आई जस्ट होप ही इनवाइट्स आफ्टर दिस मेसेज। थैंक यू, थैंक यू। विनय 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 विजुअल कर लेते पहले मैम, विजुअल कर लेते पहले मैम, हम लोग वीडियो डालेंगे। आप देखो पीछे प्लीज, मुझे बाद में देखो, पहले आप अपना हेल्थ और अपना सेफ्टी देखो। धन्यवाद, हम लोग डालेंगे लाइव। चलो आपको क्या पूछना है मैडम? बाय बाय बाय, धन्यवाद दादा। काई काउंटडाउन चालू? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया पूछने के लिए। चलो कुछ बाइट बाइट काट लोगे? हो गया, ये हुआ तेरा के नाम पे मीडिया सच्ची में काट के जा रही है आजकल। थैंक यू लग रही हो आप? जी काफी ब्यूटीफुल लग रही हो एज ऑलवेज आप। प्रिडिक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगी, जिस जो आज मेन मोटिव है आपका मिलने का? हाँ, मैंने रिसेंटली न्यूज़ देखी दैट अब्दू इज़ गेटिंग मैरिड एंड आई एम सो सुपर प्राउड कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था इन द बिग बॉस हाउस व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऑल विशेज, ऑल गुड विशेज फॉर हिम, कंग्रेचुलेशंस फॉर सच एन अलायंस, इम्पोर्टेंट स्पेशल अलायंस ऑफ योर लाइफ, एंड ही मेक अ फैबुलस फैमिली मैन। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अब्दू पर्सनल लाइफ, की जिस तरह से वो रहते हैं और आफ्टर मैरिज वो होने वाले, उसके तरह आप कुछ कहने वाले? बहुत ज़िम्मेदार और अच्छे इंसान है वो, तो उनकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत सुखद, सुखी और प्यारी लग रही है। उनका मतलब इस एज में शादी करना, ये आपको कितना सही लगता है? देखिए, शादी ऐसी चीज़ है, या तो बहुत अर्ली करो या तो बहुत लेट, वो बीच वाली एज में मत करो। लाइक आप
या तो अर्ली 20s में कर लीजिए या तो 30s में कर लीजिए, अर्ली 30s में कर लीजिए, ऐसी चीज़ है वो शादी। तो बीच में जो करते हैं ना उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं सक्सेसफुल मैरिज के, तो मुझे लगता है दिस इज अ फाइन गुड एज फॉर हिम। सो इसका मतलब मेन रीज़न यंगस्टर्स जानना चाहेंगे कि 23, 24 क्योंकि देखिए 20s जो होते हैं ना, टीनेज और 20s जो होते हैं ना अर्ली, तो तभी इंसान का माइंड बहुत फ्रेश होता है, वो मोल्ड हो सकता है, वो ढल सकता है अच्छे बुरे चीज़ों में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है इंसान। बट जो और उसके बाद जो एजेस आते हैं ना, तब वो बहुत एक्सप्लोरेटरी हो जाता है, एक्सप्लोर करने में लग जाता है, तो उसका एक जगह मन नहीं लगता, वो बस ढूंढने में निकल जाता है। तो वो जो एक्सप्लोरिंग एज होती है ना, उसमें शादी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देन आपको कब हम देखेंगे? मैं एक्सप्लोरिंग एज में हूँ ना तो मुझे अभी और 7-8 साल है, मैं 35-36 में आराम से शादी कर लूँगी। आपकी इस प्रेडिक्शन के बाद तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके मैरिज के लिए। मेरे मैरिज के लिए? मैं किसी और की शादी प्रेडिक्ट करती हूँ, सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की, मैं आराम से शादी करूँगा। और जो लड़के खड़े हैं आपके लिए वो लड़के? आई एम इन टू मैन, आई एम नॉट इन टू बॉयज। तो मर्द चाहिए मुझे, बाके नौजवान मर्द, नॉट लड़के। टॉकिंग अबाउट योर वर्क एंड ऑल, क्या कुछ कर रही होगी आप? अभी 2 म्यूजिक वीडियोस आने वाले हैं, गाने ऑलरेडी मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं, आई एम सिंगिंग। एंड म्यूजिक वीडियो में मुझे मराठी म्यूजिक वीडियो भी मिला है, बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन के साथ, और कुछ साउथ इंडियन सिनेमा से ऑफर्स आए हैं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो लेट्स सी समथिंग फॉल्स इन प्लेस। कुछ सुनाना चाहोगी उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड मैं गा नहीं सकती, रिलीज नहीं हुआ है, सॉरी दादा। कोई बात नहीं दादा, बोल के आप देखो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप सब ऐसे ही प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट दीजिए, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यू नो गेटिंग कम्पेयर्ड विद सोशल मीडिया फेम्स, आई मीन आई एम नॉट अ सोशल मीडिया फेम, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई एम अ डॉक्टर। तो सोशल मीडिया फेम बनना आसान है बट डॉक्टर बनना आसान नहीं है। तो आप अपने आप को मुझसे कंपेयर मत कीजिए, आप अपनी जर्नी जीते रहिए, और मेरी पूरी ब्लेसिंग्स है आपको, और मैं अपनी जर्नी जीना चाहती हूँ, और आप ब्लेसिंग दो ना दो अपन मार लेंगे बाजी। थैंक यू, धन्यवाद। बाय 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 बाय, थैंक यू, सलाम। ए पार्टी वार्टी नहीं कर रहे थे? हाँ केसु पीछे पीछे इरफान सर। कैसे सर? सर एक फैमिली फोटो, फैमिली फोटो करते मैम। आइए ना मैम, आइए ना साथ में मैम। सर ये बार आईपीएल का आपका क्या कहना, क्या है? क्या कहना है, रोज रोज बोलता हूँ नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी स्पेशल कुछ? हाँ हैदराबाद। ओके नारायण, थैंक यू सर, थैंक यू। पीछे थैंक यू खुशी जी। चालू है, चालू है ना, हळू आहे, धावू नको बघ ना इकडे ना, हळू उड्या काय मारतोय? अरे हल्का मर जाए तो इम्पोर्टेंट काम कर, अरे फोन तो नहीं पकड़ना है, 30 सेकंड काटना है।
उसका जो म्यूजिक था जब हम लोग कर रहे थे तो आप जानते बहुत म्यूजिक
मैडम यहाँ से मैडम इधर मैम लुक दिस साइड अरे क्या ही ला रहे मैम लुक दिस साइड यहां पे मैम लुक दिस साइड उधर या सर जी आप थोड़ा सा यहां पर अरे बाद में आ जाओ ओए मैम लुकिए अरे यहां देखिए अरे राजेश क्या कर रहे हैं इधर है यहां पर देखिए राइट में हां एक मिनट एक मिनट उधर नहीं यहां हो जाने दे फिर बाद ड्रॉप नहीं लुक सेंटर सेंटर मैम लुकिए दिस साइड सेंटर में जो पास करने यहां पे आते हैं मुझे बाल्टी नहीं मिली मैम आपके लेफ्ट साइड या अब ऊपर आ जाओ बैकड्रॉप पे आ जाओ हां महेंद्र बैठो तो अरे तूने लिया अभी वहां यहां आ आ आराम से भाई मैम लुक किया मैम ये सही मैम दिस साइड ये मेरे पास नहीं है मैम योर लेफ्ट फ्रेंड लेस मैम योर लेफ्ट सर जी अरे सर जी या थैंक यू सो मच आई लव यू अरे सेंटर मैम सेंटर मैम सेंटर इधर देखिए इधर लुक सेंटर हेलो मत भाई कौन है ओ मैडम थैंक यू वेट 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 लुक कैमरा लुक कैमरा मैम थोड़ा राइट में आई है मैम थोड़ा राइट में उठ जाओ क्या हाँ उठ जाओ सफर 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 भाई इस्माइल दरबार Thank you so much.
सर यहाँ पे सेंटर थैंक यू थैंक यू जाओ ये हो गया पहले कैसे मैम सेंटर मैम सेंटर हाँ मार लो तुम आराम से मार दे क्लोज कर देना मैम सेंटर सर मोबाइल आटा सेंटर मैम इधर देखिए आदित्य जी बोल तो रहा हूँ आधा घंटा से आदित्य मैम इधर देखिए साल के लिए ले चलो अरे उधर का होंगे फिर इधर मार दे थैंक यू इन रोड पे मैम मधुर मैम 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 मैम
गाड़ी इथे गेली इकडे बघा थांबा ना इकडे 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 लाईट मध्ये थांबा ना मॅम पीछे आओ पीछे आओ गाइस भाई रुकी लवली भाई नाइस रुको ना भाई रुको भाई रुको ना भाई रुको ना भाई रुकते ही नहीं हो आप भाई रुको ना सिद्धांत भाई सिद्धांत भाई फोटो नहीं मिला कैसा है भाई भाई कहां दे रे बैग रख रे अरे तो झाड़ भीड़ लग रहा है मेरे को भाई एक कातिल लुक दिखा हुआ है यस लवली अरे नाइस कैप है लवली हां भाई बाय बाय सब मचा है भाई एक नंबर मैम वरदा जी यस पार्टी पार्टी गाड़ी के पास
पार्टी 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 आयुष गुप्ता जी, काफी चर्चाएं हैं आपकी इस समय, लोग काफी तो हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू. नमस्ते आयुष गुप्ता जी, काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी कुछ सुना आपके बारे में, लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपकी इस कलाकारी को, तो किस तरह से बयां करना चाहेंगे अपनी इस कला को लोगों से, उसके बारे में कुछ बताइए. सी आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मुझे वन ऑफ द मीडियम चूज़ किया गया बाय दैट सुपीरियर एनर्जीज, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं. अगर एक भी इंसान जिसको इसके माध्यम से कुछ गाइडेंस मिलती है अपने लाइफ में, वो एक ऐसा बदलाव लाता है जिससे उसका जीवन सुधरता है, या उसके जीवन में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, अगर उससे थोड़ी भी उसको मदद मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ. और यही एक सिद्धांत लेके चल रहा हूँ कि जो भी कार्य दिए जा रहे हैं, जो भी ड्यूटी है मेरी, कि चाहे वो रेकी के थ्रू हो या टैरो के थ्रू हो या अगर इन मीडियम्स के अलावा भी जिन अदर मीडियम्स के थ्रू हो, मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूं. किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए. मैं एक रेकी हीलर हूं, टैरो कार्ड रीडर हूं और न्यूमरोलॉजिस्ट हूं. रेकी मैंने एट द एज ऑफ 12 शुरू की, जब मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ. एंड वो एक ऐसा मोमेंट था जिस पे मैं बोल सकता हूं कि लाइफ का टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि रेकी के बारे में सुना काफ़ी था मैंने, बट जब मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ, रेकी ने उस प्रॉब्लम को 3 महीने के अंदर कम्प्लीटली हील किया. एंड सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोस किया था, उन्होंने ही यही चीज़ बोली कि इस प्रॉब्लम के लिए आप दोबारा मत आइए. एंड वहाँ से मेरा इन चीज़ों को लेकर और विश्वास बढ़ता गया. मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों में आप और ज़्यादा आगे तब बढ़ते हो जब आपके पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो. तो यहाँ हेयर आए आप, ये जो आपकी चीज़ें हैं, यहाँ इस पूरे देश में 2 तरह के लोग हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं और कोई नहीं मानते. जो मानते हैं वो तो आपके सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छी बात है. जो नहीं मानते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे. सी जो नहीं मान रहे हैं उनकी डेफिनेटली उसमें गलती नहीं है. मैं हम सभी इंसान हैं, हम सब एक हैं. अगर हम सिर्फ एक मैसेज को लेकर भी चलें, वसुधैव कुटुंबकम, सो देयर इज़ नो एनी हार्ड फील. हम कट कर सकते हैं ना, हम कंटिन्यू, आवाज़ तो नहीं आ रही.
देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स देम एंड कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं है मेरे माइंड में डेवलप होती सी बिकॉज जस्ट एक सजेशन है फॉर दीज पीपल कि जो लोग बोलते हैं कि ये होता ही नहीं है उनके लिए आई विल जस्ट से कि आप ये बोलें कि हमें नहीं पता कि ये होता है कि नहीं मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस टाइम पे लोगों को इस चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है एंड प्लस अगर हम साइंस की भी दुनिया की बात करें तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो चीज़ वर्तमान में है या जो चीज़ हमारे आसपास है साइंस उसी चीज़ों को प्रूव कर रही है अगर साइंस ने ग्रेविटी प्रूव की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी उसी दिन से आई है ग्रेविटी पहले भी थी पहले साइंस ने प्रूव नहीं किया था तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेविटी होती ही नहीं राइट तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टाइम लगता है उन चीज़ों को प्रूव होने में एज पर द साइंस बट अगेन स्पिरिचुअलिटी या रेकी हीलिंग ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंसान बता सकता है कि ये चीज़ है या नहीं सो अगर आप थोड़ा ओपन रहेंगे अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे नहीं पता हम मे बी हो सकता है मे बी नहीं हो सकता तो जिससे आप नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं और कुछ भी नहीं मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आप देख रहा हूँ आपकी 6 उंगलियाँ हैं ये काफ़ी अलग है तो आप इन चीज़ों को कितना बिलीव करते हैं कि 6 उंगलियाँ होना कान पे कुछ होना ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है या लकी होता है सी दो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स ये चीज़ें जहाँ तक मैंने भी बचपन से सुनी है जैसे पैदा होते ही मुझे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपके घर पे ऋतिक रोशन हुआ है उसके हाथ में 6 उंगलियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत बोला कि आपका बेटा बहुत लकी है सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बचपन से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और इनका एक अपना सिग्निफिकेंस भी होता है जो कि डिटेल में ऑफकोर्स मेरे पास उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है जो कि मैं डिटेल में बताऊँ बट अगेन वो इम्पैक्ट बहुत मेजर होता है एक बच्चे के लाइफ में अगर हम किसी को बचपन से ही बोलें कि आप लकी हो आपके पास ये है तो आप लकी हो तो वो एक अलग पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है दूसरी चीज़ ये सारी चीज़ें कई बार इंसान को डीमोटिवेट भी करती हैं कई सारे लोग आपको इस जर्नी में मिलते हैं कि अरे 6 उंगली हैं अरे बहुत सारे नाम अलग अलग नाम क्रिएट होते हैं बच्चे के लिए स्कूल्स में कॉलेजेस में लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं उनके लिए इस जगह पे स्पेसिफिकली ये कॉन्सेप्ट्स कि तुम्हारे पास ये है तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ आपके लिए लकी है ये सारी चीज़ें इंसान को डीमोटिवेट नहीं होने देती उस इंसान को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है और उसके इन सारे नेगेटिव लोगों के बातों से फर्क ना पड़े उस पर भी हेल्प करती है ये सब सुनने के बाद आप किस तरह का माइंडसेट रखते हो कि ये 6 उंगलियां हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं ये करते हैं और दूसरी तरह लोग कह रहे हैं कि ये लकी है आप किस तरह का माइंडसेट रखते हो सी मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ इस चीज़ को लेकर क्योंकि अगर मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ तो ऑफकोर्स बहुत सारे सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं सभी के लाइफ में पॉजिटिव टाइम नेगेटिव टाइम होते हैं बट मेरा इस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर है कि यस दिस स्पेसिफिक थॉट कि ये मेरे लिए लकी है दैट हैज़ गिव मी सम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस सम एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी सो उस हिसाब से इट्स डेफिनेटली वेरी गुड प्लस जो नेगेटिव मैसेजेस हैं लोग जो देते हैं मैं लोगों के लिए यही बोलूँगा अगर आप इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे ये बहुत ही एक बेसिक सा वर्स है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे बोल देते हैं कि अरे इसको तो हटाओ ये हम बात करते हैं ये तो बोलने वाली बातें हैं इसको हटाओ हम प्रैक्टिकल बात करते हैं जैसे कि एक वर्स है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है जो भी नाम लोगों ने दिया है भगवान ईश्वर अल्लाह वॉट एवर नेम वी से कि उसके वजह से होता है जब भी हम ये एक अपने प्रैक्टिकल कन्वर्जेशन में बात करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि अरे ये सारी तो बोलने वाली बातें हैं बट टेक्निकली देखा जाए तो दैट्स प्रैक्टिकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बोलने वाली बातें समझते हैं बट दोज आर प्रैक्टिकल अब हम उस पे आते हैं जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं दिखाइए कुछ जो लोगों को आपके ऊपर और आकर्षित करे सी मतलब इट्स टैरो कार्ड रीडिंग तो ऑफकोर्स अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ वर्क यू आर इनटू तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं तो आई वुड लव टू आंसर देम ये पहले ये समझाइए किस तरह से काम करता है सी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है बट एक मिथ भी है लोगों के मन में कि ये आपको भविष्य बताता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग के नाम पे पीपल इवन गो टू देम एंड आस्क कि हम प्रेग्नेंट हैं लड़का होगा या लड़की होगी दीज क्वेश्चंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटलेस क्वेश्चंस जिसका कोई सेंस नहीं बनता है प्लस टैरो कार्ड रीडिंग आर नॉट मेंट फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता है टैरो या भविष्य नहीं बताता है टैरो कार्ड रीडिंग टैरो कार्ड रीडिंग मेजरली आपके वर्तमान के लिए है आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज कैसी हैं
प्रेजेंट के बेसिस पे आप क्या चेंजेस लाके अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। अगर टेक्निकली हम देखें कि आपका जो 6 महीने बाद का समय है, अगर आप एक मोड पे 6 महीने बाद खड़े हैं तो वो आपका प्रेजेंट होगा उस समय के लिए। तो मेजर आपको काम करना चाहिए आपके प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए, और आप प्रेजेंट में खुश कैसे रह सकते हैं इस सारे चीजों के लिए टारो हेल्प्स। ओके, सो हम एक शो के बारे में पूछते हैं जो काफी पॉपुलर शो है, बिग बॉस। उसका अगला सीजन आने वाला, जल्दी आने वाला है, तो उस सीजन के बारे में बताइए कि कैसा चलने वाला है, कैसी टीआरपी होगी, क्योंकि कुछ ही एक दो सीजन है जिसकी टीआरपी काफी ज्यादा आई है जी। उसके बाद से लो होती गई है, तो चाहे ओटीटी हो चाहे सीजन वाइज हो, उसके बारे में कुछ बताइए। बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस? बिग बॉस ओटीटी। ओके, कहीं ना कहीं बिग बॉस ओटीटी जो इस साल आ रहा है, व्हाट आई एम एबल टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेकर्स एज वेल, मेकर्स एक पॉजिटिव रिस्क ले रहे हैं अगेन। इस साल उनका मेजर एक वो नहीं था कि, मतलब ऑफ कोर्स लास्ट ईयर उन्होंने शुरू किया था तो ये फॉर श्योर था कि ये सीजन उनको करना ही है, बट देन ऑल्सो उनके माइंड में कहीं ना कहीं रिस्क है इस चीज को लेकर कि ये ओटीटी सीजन अच्छा जाएगा या नहीं। बट या अगर उनको इतनी मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट देन ऑल्सो दे हैव टेकन द रिस्क, एंड कहीं ना कहीं ये रिस्क उनके लिए फेवरेबल होगा, एंड विच विल इवन डिसाइड कि वो आगे भी कुछ साल इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सीजन स्पेसिफिकली बिग बॉस ओटीटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सीजन उनके लिए बेनिफिशियल होगा इन द टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, प्लस इस सीजन में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ कंटेस्टेंट होते हैं, बट स्पेसिफिकली 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी मेजर एनर्जी लेकर जाएंगे इस शो की। बाकी भी डेवलप करेंगे, बट टेक्निकली जो एक एसेंस होता है बिग बॉस का, वो 2 से 3 लोग इस साल बहुत ज्यादा लेकर जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द थिंग आई एम एबल टू सी, क्योंकि कई सारे ऐसे सीजन्स होते हैं जिसमें जितने मेंबर्स हैं वो सारे ही कुछ ना कुछ फेम लेकर जाते हैं, अच्छा फेम लेकर जाते हैं। कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोगों को बेनिफिट देकर जाता है, तो कुछ सीजन्स में एक इंसान ही ज्यादा फेमस होता है, बाकी लोग उसके आगे नीचे दब जाते हैं। तो बट इस सीजन में कहीं ना कहीं 2-3 लोग ऐसे होंगे जो इसका मेजर बेनिफिट लेकर जाएंगे। और इसके आगे अगर एक्टर्स की बात करें हम, तो आज ही एक न्यू मूवी आई है राजकुमार राव की, तो वो उसका काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू है, तो उनकी आगे के करियर के बारे में अगर आप मूवी का नाम बता सकते हैं? श्रीकांत भोला। सी, अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो फिल्म कहीं ना कहीं टेक्निकली देखा जाए तो इट्स एक्चुअली गुड। सी, अगर मैं फिल्म के बारे में बताऊं तो फिल्म टेक्निकली मैंने देखा तो डेफिनेटली नहीं है, बट फिल्म मुझे स्टोरी वाइज या उसका जो एक बेस लाइन के तरीके से अगर देखा जाए तो फिल्म काफी अच्छी होगी। बट देन ऑल्सो जो मेकर्स को चाहिए, ऑफकोर्स जो आज के टाइम में एक मेजर कॉन्सेप्ट है दैट बॉक्स ऑफिस वाली चीजें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहेंगी एज पर द एक्सपेक्टेशन, बट लोग जब भी इस फिल्म को देखेंगे एंड जितने भी लोग देखेंगे दे विल अप्रिशिएट अबाउट द मूवी, दैट इज वन थिंग आई एम एबल टू सी। प्लस अगर मैं राजकुमार जी के बारे में बात करूँ, राजकुमार राव जी के बारे में बात करूँ, तो उनकी एनर्जीज में काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। वो अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे होंगे अपने अंदर, उनके वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ पर्सपेक्टिव्स, जो उनके पर्सपेक्टिव्स होंगे टूवर्ड्स इंडस्ट्री या टूवर्ड्स वर्क, वो काफ़ी चेंज हो रहे होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे होंगे। प्लस उनका अभी जो जोन है वो अपने इमोशनल लेवल पे प्रैक्टिकल जोन को ला रहे हैं, अपने प्रैक्टिकलिटी के लेवल पे इमोशनल जोन को ला रहे हैं, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अभी तक कुछ कुछ ऐसी डिफिकल्टीज ईदर आफ्टर नेम एंड फेम उनके माइंड में ऐसी आ रही थी, जो कि अब आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिकली आफ्टर जुलाई के बाद से उनको काफ़ी मेजर शिफ्ट दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। एंड आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो
चेंज सबसे बड़ी चीज है जो इम्पोर्टेंट है इन लाइफ, एंड इफ ही इज एक्सेप्टिंग दैट चेंज विच इज वेरी गुड. ये तो एक्टिंग के बारे में हो गया, करियर के बारे में हो गया, बट इस समय काफ़ी जो ट्रेंड में है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये मीन्स लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि आईपीएल का विनर कौन होगा. ये तो जो अच्छा खेलेगा वही ऑफकोर्स विनर होगा. बट आपके स्पेशलिटी के हम अगर चाह हम लोग सोचे कि गुरुजी क्या बताएंगे, तो आपके ओपिनियन से इस साल आईपीएल का विनर कौन होगा? सी, मैं टावका रीडिंग ऐसे ही सेड, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना ही मैं एग्जाम्स रिलेटेड के प्रेडिक्शंस करता हूँ, या मैं आईपीएल में से कौन सी टीम जीतेगी, मैं उस जोन के टावका रीडिंग में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो प्रेडिक्ट करना इज समथिंग जो एसेंस है आईपीएल का वो ख़त्म हो जाएगा. यही तो एक्साइटमेंट है कि फाइनल के दिन कौन सी वो दो टीम होंगी जो जीतेंगी, जो खेलेंगी, प्लस फाइनल की जो दो टीम होंगी उसमें से कौन एक जीतेगा, यही एक जो सस्पेंस है, यही एसेंस है इस गेम का, अदरवाइज फिर वो फन नहीं रह पाएगा. ये जो एडवेंचर्स है, छोटी छोटी चीज़ें हमें टारो में नहीं चेक करनी चाहिए, दैट्स माय बिलीफ. क्या बात है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. एट द एंड आपको कोई भी पॉजिटिव, आप जो भी कॉम्प्लीमेंट मिले उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? सी, स्पेसिफिकली कई बार ऐसा होता है कि जब हम टावका रीडिंग कर रहे होते हैं, ऐसी कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हम डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, नॉट इन द कैमरा एज वेल, उनकी फैमिली के साथ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट वो जो स्पेसिफिक मोमेंट होता है जिसमें सामने वाले को ऐसी कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो उसे सबकॉन्शियसली पता होती है बट कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, एंड वो कॉन्शियस माइंड में ले आने के बाद जो एक हैप्पीनेस हमारे अंदर एज अ रीडर होती है वो काफ़ी अच्छा लगता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. प्लस इफ आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग फॉर पीपल इज, आपने कहीं ना कहीं बुरा करोगे तो बुरा होगा. कर्मा वाला जो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से लोग फियर में भी रहते हैं. कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ ये नहीं बताती है कि आप अच्छा करो बुरा करोगे तो बुरा होगा, इट ऑल्सो टीचेस कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा. सो कर्मा से आपको डरना नहीं है, कर्मा से आपको सीखना है, आपको जस्ट राइट डायरेक्शन में रहना है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक. द ओनली थिंग जो आपके हाथ में है इज अपने मन से या बिना मन से कीप स्माइलिंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं करता मैं. ओके सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. एट डिंट यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस अबाउट योर स्पेशलिटी? सी, आई विल जस्ट से कि अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देयर इज एवरीथिंग, सभी के लिए अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें मेंट होती हैं. जस्ट डोंट से कि ये चीज़ होती ही नहीं है. अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपका आपको वो एक्सपीरियंस लेने के बाद भी वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, देन आई कैन डेफिनेटली एग्री. बट अगर जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, आप ओपन ही नहीं हैं उस एक्सपीरियंस के लिए, तब तक आपके लिए एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. हर चीज़ में भरोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस ला भी रहे हैं, सो दैट फेथ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. डेवलप दैट फेथ एंड बिलीफ, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. थैंक यू. एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी. रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर. मलयालम फिल्म उद्योग अजय है, क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं. इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है. मम्मूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है. बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी. फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहान, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है. मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है. मम्मूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी. पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है. टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मम्मूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है. कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है. अगर कैथल स्टार बुरे
लड़कों को मात देते नजर आता है तो मेट्रिवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है, हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनके कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकर के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राजवीर शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है, हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेस है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब रमम ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर राज बी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी राजवीर शेट्टी अंजना जयप्रकाश सुनील शव विश्व वर्मा और दिलेश पोथान बिंदु पनिक्कर अमीना निजाम कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मामूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी बिंदु पनिक्कर दिलेश पोथन कबीर सिंह दुहन अंजना जयप्रकाश निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में
कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसे कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है, हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेस है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रो टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो बेट्रीवेल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राज भी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश्व वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर,
दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनुपरण्या भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है, हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेस है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरतअंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव विश वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित
टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहान, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनुपरण्या भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है, हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लबरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राग कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राज बी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशाख द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राज बी शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव विश्व वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी।
रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहान, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रिया आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकर के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो बेट्रीवेल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मामूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राज बी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राज बी शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव विश्व वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु
पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण ममूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं ममूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। ममूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। ममूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसे कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, ममूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृति आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, ममूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। ममूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है ममूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार ममूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्म युगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ममूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय ममूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त ममूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये ममूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी।
एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वाह मामूठी सर, राज भी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूठी, राज भी शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश्व वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण मम्मूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए है। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रिया आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्म युगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मम्मूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा,
ये मामूठी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूठी सर, राज भी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूठी, राज भी शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश्ववर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिकर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण मामूठी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए है। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूठी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बैसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राज बी शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूठी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूठी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राज बी शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रियाएं आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, मामूठी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूठी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूठी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूठी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूठी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय मम्मूटी को हैरतअंगेज और
गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त मामूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर, राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशाख द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिकर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए है। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बैसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राजवीर शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बैटरी वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बैटरी वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रिया आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लबरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्म युगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राग कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन
आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय ममूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त ममूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये ममूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह ममूटी सर राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशाख द्वारा निर्देशित टर्बो में ममूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश्व वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण ममूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं ममूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। ममूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। वैशाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राजवीर शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। ममूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, ममूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्री वेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्री वेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रिया आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, टर्बो मोड। क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है, ममूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। ममूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है ममूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार ममूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम, ओजलार और ब्रह्म युगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रों टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ममूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो
वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। वह 72 वर्षीय ममूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त ममूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी, राजवीर शेट्टी, अंजना जयप्रकाश, सुनील शव, विश वर्मा और दिलेश पोथान, बिंदु पनिक्कर, अमीना निजाम, कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राजवीर शेट्टी, बिंदु पनिक्कर, दिलेश पोथन, कबीर सिंह दुहन, अंजना जयप्रकाश, निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोस है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीवेल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीवेल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिक्रिया आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब्रमम, ओजलार और ब्रह्मयुगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं। वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है।
ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्र टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय ममूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त ममूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर राजवीर शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी राजवीर शेट्टी अंजना जयप्रकाश सुनील शव विश्व वर्मा और दिलेश पोथान बिंदु पनिक्कर अमीना निजाम कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं मम्मूटी। रिलीज हुआ फिल्म टर्बो का ट्रेलर। मलयालम फिल्म उद्योग अजय है क्योंकि 5 महीनों के भीतर उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इस महीने एक नई फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। मामूटी का बहुप्रतीक्षित टर्बो ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। बेसाख द्वारा निर्देशित ये एक एक्शन कॉमेडी है जो मलयालम अभिनेता को पूर्ण सामूहिक अवतार में पेश करेगी। फिल्म में राजवीर शेट्टी बिंदु पनिक्कर दिलेश पोथन कबीर सिंह दुहन अंजना जयप्रकाश निरंजना अनूप और अन्य भी है। मिथुन मैनुअल थॉमस ने फिल्म की कहानी लिखी है। मामूटी की पिछली कुछ रिलीज भारी विषयों या दिलचस्प कहानियों पर अधिक केंद्रित थी। पिछले कुछ महीनों में कैथल द कोर से लेकर ब्रह्मा युगम तक अभिनेता ने फिर से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। टर्बो के साथ वो एक्शन मोड में वापस आ गया है और एक मनोरंजक पैकेज देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा कि टर्बो ट्रेलर में देखा गया है, मामूटी के किरदार का नाम टर्बो जोश है। कुछ ऐसा होता है कि वो राजवीर शेट्टी की फिल्म के खलनायक बेट्रीविल का मुख्य निशाना बन जाता है। अगर कैथल स्टार बुरे लड़कों को मात देते नजर आता है तो बेट्रीविल भी खलनायक के रूप में काफी डराने वाला दिखता है। ट्रेलर कथानक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि कई एक्शन से भरपूर दृश्यों के बीच भावुक पारिवारिक ड्रामा के लिए कुछ जगह होगी। मलयालम मेगास्टार की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और ये ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ पंक्तियां भाव और प्रतिकृतियां आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब वो वापस लड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जानवर मोड में चला जाता है, या जैसा कि शीर्षक से पता चलता है टर्बो मोड, क्योंकि फिल्म के आधार के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया है। मामूटी ने अब तक जो उल्लेखनीय विकल्प चुने हैं उन्हें देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मनोरंजक यात्रा होगी। विष्णु शर्मा ने फिल्म के छायाकार के रूप में काम किया है और समीर मोहम्मद ने संपादन किया है। क्रिस्टो जेवियर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। मामूटी कंपनी द्वारा निर्मित एक्शन कॉमेडी 23 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्शन से लवरेज है मामूटी की फिल्म टर्बो। रिलीज हुआ शानदार ट्रेलर। सुपरस्टार मामूटी 2024 को अपना साल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप ब्रह्मम ओजलार और ब्रह्म युगम में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद अभिनेता साल की अपनी तीसरी फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता वर्तमान में टर्बो की रिलीज के लिए तैयारी राख कर रहे हैं।
वो अपने हाई ऑक्टेन अवतार में वापस आ गए हैं। हाल ही में टर्बो के निर्माताओं ने ट्रेलर जारी किया और ये पहले से ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है। टर्बो का 2 मिनट 13 सेकंड लंबा ट्रेलर एक कार के एक शॉट से शुरू होता है जो लगभग एक कंटेनर ट्रक से टकराती है। ट्रेलर आगे बढ़ता है और पात्रो टर्बो नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मामूटी को वो शानदार प्रविष्ट देते हुए जिसके वो हकदार है उन्हें अपनी प्रतिष्ठित मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया है। फिर उसे टर्बो जोश के रूप में पेश किया गया। हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्य के साथ टर्बो वेट्रिवल के साथ आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेलर से ये पता नहीं चलता है कि ये हथियार क्यों उठा रहे हैं, लेकिन ये उन सभी एक्शन और स्टंट की एक झलक देता है जो इस फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगे। टर्बो का ट्रेलर मनोरंजक संगीत के साथ शुरू होता है जो ऐसा लगता है कि जैसे एड्रेनलिन आपकी नसों में पंप किया जा रहा है। देखने में तो यही लगता है कि फिल्म जितनी बड़ी हो सकती है उतनी ही भव्य होने का वादा करती है। 72 वर्षीय ममूटी को हैरत अंगेज और गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्शन दृश्य में संलग्न देखना दिलचस्प है। इसके अतिरिक्त ममूटी और राजवीर शेट्टी की स्क्रीन उपस्थिति कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ये मामूटी से पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि मामू का इस आशाजनक परियोजना में सुनील और राज के साथ सहयोग कर रहे हैं। आशा है कि मलयालम उद्योग के लिए एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी। एक दूसरे प्रशंसक ने लिखा, राज शेट्टी परम है। एक तीसरे प्रशंसक ने टिप्पणी की, वह मामूटी सर राज भी शेट्टी और सुनील क्या संयोजन है जिसका बेसब्री से इंतजार है। वैशक द्वारा निर्देशित टर्बो में मामूटी राजवीर शेट्टी अंजना जयप्रकाश सुनील शव विश्वर्मा और दिलेश पोथान बिंदु पनिक्कर अमीना निजाम कबीर सिंह दुहन और निरंजना अनूप मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मामूटी कंपनी ने किया है। ये 23 मई को रिलीज होने वाली है।